हेलो मनी नाइन, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं 4 बजे के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आज आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। बहुत सारे दर्शक टिप्पणी भी कर रहे हैं, कपिल देव जी ने लिखा कि वी आर वेटिंग सर, तो क्षमा चाहते हैं आपसे कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन हाँ, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम खास तौर से बात करेंगे रियल एस्टेट को लेकर के। रियल एस्टेट में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी का मार्केट, दोनों ही जगहों पर तेज़ी का दौर देखने को मिल रहा है। इस बीच रीसेल यानी कि पुराने घर खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। नए के बजाय लोग रीसेल वाले घर क्यों खरीद रहे हैं? क्या नए मकान के मुकाबले पुराने मकान के दाम कम होते हैं? इस तरह के घर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए? ऐसे ही तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं होममेड्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि कोविड के बाद मकानों की सप्लाई और बिक्री दोनों में ही अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इन सब के बीच में रीसेल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो पुराने घर हैं उनकी डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, इसकी खास तौर से क्या वजह मानते हैं सर आप कि आखिर में रीसेल प्रॉपर्टीज़ की डिमांड इतनी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, मार्केट में दोनों प्रॉपर्टीज में डिमांड है, अंडर कंस्ट्रक्शन और रीसेल। ओवरऑल मार्केट में अच्छी डिमांड देखी जा रही है, लेकिन रीसेल की डिमांड बढ़ने की वजह भी है क्योंकि ये एक अफोर्डेबिलिटी होती है। मतलब प्राइमरी मार्केट में कई बार रेट थोड़े ज्यादा मिलते हैं, लेकिन यहाँ रेट्स भी थोड़े से रिजनेबल मिलते हैं, फिर इमीडिएट पोजीशन भी बायर को मिल जाता है और नेबरहुड नया क्या आएगा क्या नहीं वो देख दाख के भी ले सकते हैं। मतलब एस्टेब्लिश्ड नेबरहुड भी मिल सकता है, बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाती है, रेंटल इनकम भी आप चाहें तो आपको इमीडिएटली मिल जाता है, आपको प्रॉपर्टी का पोजिशन देर में मिलेगा और उसके बाद इनकम जनरेट होगी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता इसमें। आपने प्रॉपर्टी ली और इमीडिएटली आपकी रेंटल इनकम भी जनरेट हो जाती है, मतलब एक तरह से स्टेबिलिटी आपको दिखती है। आप यहाँ जो छोटे छोटे रेगुलर कंसर्न्स होते हैं उनसे बचते हुए, जैसे कि अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब तक पोजिशन नहीं हो जाता तब तक कहीं हद तक उनका कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर उस चीज से भी बचते हुए आप सीधा डायरेक्ट पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पर किसी भी टाइप की रेगुलेटरी में जाने की आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं होती है और सेकेंडरी मार्केट में जिस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रही है तो उस हिसाब से अब बायर प्रेफर कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में बाय करना। इस बीच काफ़ी सारी टिप्पणियां आ रही हैं सर, बहुत सारे लोग आपसे प्रश्न भी पूछना चाह रहे हैं। जगदीश रतूड़ी जी का एक टिप्पणी आई है और प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि सर अगले 20 सालों में इक्विटी या फिर रियल एस्टेट में ज़्यादा रिटर्न की संभावना किस में है? तो रतूड़ी जी, आप पहले तो ये है कि रिटर्न की संभावना के बारे में रियल एस्टेट में कितना मिलेगा वो तो अभी हम पूछते हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पे अच्छे रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन अंतर ये है कि मकान खरीदने के लिए आपको एक मोटी रकम चाहिए होती है और अगर आप इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप 5,000, 500, 1,00,000 कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जब आप मकान खरीदते हैं तो उसके लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। बाकी कितना रिटर्न रियल एस्टेट में मिलेगा वो हम जो है पूछ लेते हैं यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट से, प्रदीप जी से। प्रदीप जी, अब इनका प्रश्न ये है कि रिटेल या इक्विटी, तो इक्विटी के बारे में तो लोग कह रहे हैं 5 साल के अंदर ही सेंसेक्स 1,00,000 के आंकड़े को पार कर सकता है, अगले 20 साल के रियल एस्टेट में किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करें हम? देखिए, प्रॉपर्टी रिटर्न अच्छा देती है लेकिन हर प्रॉपर्टी रिटर्न अच्छा नहीं देती है। मतलब आपको सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसी प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट करें, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आपको स्टडी करना पड़ता है। उस एरिया का मास्टर प्लान कैसा है, वहाँ मार्केट कंडीशंस कैसी है, मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे हैं और फ्यूचर डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपर कैसा है, डेवलपर का ट्रैक कैसा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, मतलब तमाम कई फैक्टर्स स्टडी करने पड़ते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में भी स्टडी किए जाते हैं। तो उसके बाद जब सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अच्छी होती है तो यस, प्रॉपर्टी बहुत अच्छा रिटर्न देती है। आगे आने वाले, आपने 20 साल की बात की, 20 साल तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अगर राइट प्रॉपर्टी ली जाती है तो 5 साल में 100% प्रॉपर्टी डबल हो जाती है, और यही अगर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गलत है तो यही प्रॉपर्टी आपको 10 से 15 साल में डबल होने का मौका देती है। तो रतूड़ी जी, आपने सुना कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप किस जगह पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और सही जगह पे खरीद रहे हैं तो औसतन जो है, जो अभी बताया प्रदीप जी ने कि 5 साल में प्रॉपर्टी की कीमत डबल हो जाती है,
हाँ अगर आपकी लोकेशन सही नहीं है तो उसमें हो सकता है डबल होने में 10 से 15 साल तक का समय लग सकता है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले सही जगह तलाशिए, देखिए आसपास की लोकेलिटी कैसी है, भविष्य को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं हैं, उसके बाद पैसे लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। अगला सवाल ये है कि सर, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट मिलने में समय तो लगता ही है, दूसरा दिल्ली एनसीआर और मुंबई जैसे शहरों में लाखों मकान ऐसे हैं जो कि अटके हुए हैं। रेरा की एक्टिविटी के बावजूद हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों को परमिशन मिला नहीं है, सालों से लोगों को घर का इंतज़ार है। क्या घर खरीदारों के पुराने मकानों की ओर शिफ्ट करने का ये भी आपको लगता है कि एक बड़ा कारण हो सकता है कि जिस वजह से लोग दूध के जले हुए छाछ भी फूक फूक के पीते हैं, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना समय लग जाएगा, उससे अच्छा ये है कोई बना बनाया पुराना मकान है तो वही उसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। देखिए विपुल जी, हमेशा जब मार्केट चलना शुरू करती है तो एंड यूजर उसे ड्राइव करते हैं, लेकिन जब मार्केट चलने लगती है तो उसमें इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। तो आज की डेट में इन्वेस्टर और एंड यूजर दोनों रियल एस्टेट मार्केट में है, इसीलिए मार्केट बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है। तो एंड यूजर की पसंद जरूर हो सकती है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, लेकिन इन्वेस्टर आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को ज्यादा प्रेफर कर रहा है। और एंड यूजर की पसंद होने की जो मेन वजह ये है कि उसे बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक इंतजार नहीं करना पड़ता पोजीशन का, टाइमली पोजीशन मतलब इमीडिएट पोजीशन उसको मिल जाता है। यहाँ अनसर्टेनिटी जो मार्केट कंडीशंस को लेकर होती है, पोजीशंस को लेकर होती है, वो नहीं होती, रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। रेंटल इनकम चाहे तो वो इमीडिएटली मिल जाती है, सेलर से नेगोशिएट भी कर पाते हैं, कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में डेवलपर से बहुत ज्यादा नेगोशिएशन नहीं हो पाता, तो यहाँ सेलर से नेगोशिएशन भी अच्छा हो पाता है। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है, सीधा आप वहां जाके रह सकते हैं। बहुत ज्यादा अंडर डेवलपमेंट वाली स्टेज वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, यहाँ कोई रेगुलेटरी जैसे कंसर्न्स में आपको कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मार्केट सेंटिमेंट्स आपको देखने हैं, जब आपको मार्केट सेंटिमेंट्स दिखता है कि थोड़े डिप किए हुए हैं तो उस टाइम पे आप एंट्री कीजिए, तो आपको अच्छे रेट्स के ऊपर भी प्रॉपर्टी बाय करने का मौका मिलता है। जी, इस बीच जरा इस ग्राफिक्स पे नजर डाल लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनसीआर और एमएमआर यानी कि जो एक दिल्ली के आसपास का एरिया है और मुंबई महानगर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फंसी हुई हैं, करीब 77% घर यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि आखिर में क्यों इस तरीके से जो आम व्यक्ति है वो प्रेफर कर रहा है जो रीसेल मकान है उसको। कुल जो अटके हुए मकान हैं 7 जो प्रमुख शहर हैं उनमें करीब 4.8 लाख जो है मकान जो है वो अटके हुए हैं, और यहाँ पर जो है करीब 4.48 लाख करोड़ रुपए इस मामले 2 मई 2022 तक फंसे हुए हैं। तो ये फिलहाल एनरॉक की रिपोर्ट है जिसके माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि यहाँ पर लोग जो है। सर, एक आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर में ये डिस्प्यूट का हल इतनी आसानी से निकल क्यों नहीं रहा है। कुछ दिन पहले हमने इसी कार्यक्रम में रेरा चीफ जो उत्तर प्रदेश के हैं उनसे ही बातचीत की, हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले साल में जो है एक साल के अंदर जो है बहुत सारे मामले जो है वो निपटा दिए जाएंगे। तो कितना क्या भूमिका आप रेरा की देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि इस मामले में अब थोड़ी सी गतिशीलता और ज़्यादा लाने की आवश्यकता है ताकि लोगों का भरोसा लौट तो रहा है और तेजी के साथ लौटे हर व्यक्ति के पास अपना घर हो? देखिए, मेरे को लगता है कि रेरा के पास पावर्स, ज्यूडिशियल पावर्स को बढ़ाने की जरूरत है और रेरा के पास पावर के साथ साथ मैन पावर को भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे क्वार्टरली रिपोर्ट अपडेट करना या जो डेवलपर द्वारा डिटेल्स दी गई हैं उनको वेरीफाई करना, ये सब चीजें अभी तक सेल्फ लेबोरेटरी पे ही चल रही हैं, बहुत ज्यादा इनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो इसमें बड़ा मैन पावर ऐड करने की जरूरत है, तब उन सब चीजों को रेगुलर वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो रेरा आने के बाद खैर लोग सेल्फ रेगुलेटर भी हुए हैं थोड़ा सा और बहुत सारी चीजें बहुत ठीक हो गई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे दिक्कत है। जब तक पूरा ये कहते हैं ना कि जब आप रोड पे जा रहे हैं जब तक आपको चलान का डर नहीं होगा तब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, तो वो चीजें आज भी दिख रही हैं। तो यहाँ रेरा अगर स्ट्रांग और होता है तब चीजें मुझे लगता है कंट्रोल हो पाएंगी, और पेंडिंग बहुत दिनों से चल रहा था, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, तो धीरे धीरे ही चीजें स्ट्रीमलाइन हो पाएंगी। क्विक मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी होती हुई दिख भी नहीं रही है, लेकिन हाँ 2017 से 2023 एक लंबा अंतराल हो गया है और अब होम बायर्स भी वाकई में बहुत परेशान है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रेरा को एक ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो रियल एस्टेट की
सारी ट्रांजेक्शन जो भी उससे कंप्लेंट है उससे रिलेटेड उसको वो सुने और वहीं उसका सॉल्यूशन भी क्विकली मैनर में करे, टाइम बाउंड मैनर में करे, तो लोगों का वेरा के ऊपर जो विश्वास अब थोड़ा सा कम होने लगा है वो वापस एस्टेब्लिश होगा और रियल एस्टेट मार्केट को भी इसका बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो ये रेरा को थोड़ी और शक्तियाँ मिलने की ज़रूरत है, अगर वो मिलती हैं और थोड़ी सी और सख्ती की जाएगी तो निश्चित रूप से लोगों का भरोसा, निवेशकों का भरोसा और एक आम आदमी का जो सपना है अपने घर का वो भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अगला प्रश्न ये है सर कि जो पुराना घर होता है उसको खरीदने में उसकी एज काफ़ी हद तक मायने रखती है, मतलब कि कोई घर कितना पुराना है, घर खरीदने से पहले उसकी एज के बारे में पता कैसे लगाया जाए, उसकी सही वैल्यूएशन निकाली कैसे जाए। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं कि 20 साल पुराने हैं लेकिन जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मकान ऐसे होते हैं जिनकी मतलब एज कम होती है लेकिन उसके बावजूद उस तरह की मेंटेनेंस वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। एज का प्राइसिंग पे कितना असर होता है और इसकी किसी मकान की एज कैसे पता करें? देखिए, प्रॉपर्टी प्राइजेस में मैं ये कहूंगा कि नई प्रॉपर्टी वर्सेस पुरानी प्रॉपर्टी में कम से कम 5 से लेकर 15% का डिफरेंस होता है प्राइजेस के अंदर। अब आपके ऊपर ये आता है कि अब कैसे आप जांचें कि राइट एज क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप सेलर से ही पूछ सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है, पर जरूरी नहीं है कि सेलर आपको सबको सही सही बताए। तो आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो सेल डीड के डॉक्यूमेंट्स हैं और उसकी पूरी चेन, तो उससे आपको ये समझ में आ गया है कि ये प्रॉपर्टी कब ऑरिजिनेट हो गई है, कब उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। फिजिकल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल्स है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, बिल्डिंग कब सेंक्शन हुई है, जो घर बनाया उसमें जो अथॉरिटी की स्टैम्प है डेटेड होती है, उससे भी आपको आइडिया लग जाता है। म्यूनसिपल रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, नेबर से आप बात कर सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट डेवलपर से बात कर सकते हैं, सर्वेयर और इंजीनियर से आप उस लोकेशन को दिखा के भी चेक कर सकते हैं। और फिर बहुत ज्यादा आजकल सोशल मीडिया का टाइम है तो ऑनलाइन प्रॉपर्टी डाटाबेसिस को भी आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी करीब करीब आपको आइडिया लग जाता है कि ये प्रॉपर्टी कब बनी है और कितना टाइम इसको हो चुका है। जी चलिए, इस बीच राजेंद्र जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सर जी नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप। और विनोद कुमार जी जम्मू से हैं और विनोद जी कह रहे हैं कि GMR पावर का और अर्बन इंफ्रा के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 22 रुपये 40 पैसे पे। सर इसके लिए आप 1 से 2 के बीच में दोपहर का समय हमने सुनिश्चित किया हुआ है, तो आप अपने प्रश्न पूछिए और हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो कल 1 से 2 में आप अवश्य आप जुड़िएगा और अपना प्रश्न पूछिएगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं और अपने बाकी दर्शकों को भी बता दें 9311-21874 ये हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर है, जिस पर आपको सिर्फ एक व्हाट्सअप करके अपना प्रश्न आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल विस्तारपूर्वक भेजिएगा, आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं और किस शहर से आप हैं, क्या आपका प्रश्न है, तो जितने विस्तार से आप अपनी डिटेलिंग में अपना प्रश्न भेजेंगे प्रदीप जी उतने ही विस्तारपूर्वक आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए इस बीच जो है राजेंद्र जी की काफ़ी टिप्पणी आई है और वो कह रहे हैं सर जी रेरा में कोई ऐसा है जहां पर जल्द से जल्द सुनवाई हो 1 से 2 महीने में। तो वो एक बात आप जो कर रहे थे प्रदीप जी, उसी तरह की टिप्पणियां भी आने शुरू हो गई हैं लोगों की कि 1-2 महीने में कोई सुनने को ही राजी नहीं होता, कह रहे हैं कहाँ का रेरा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, कहाँ पर सुनवाई जल्दी होती है। तो इस तमाम प्रश्नों के सामना तो आपको भी करना पड़ता होगा, आप कैसे क्या बोलते हैं लोगों को? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि ये दिक्कत बहुत ज्यादा है और असल में लोगों ने इंतजार बहुत किया है, तो इंतजार करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा उनको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्विकली मैनर में नहीं मिल रहा। अभी भी मैं देखता हूँ रेरा के अंदर नॉर्मल ट्रेंड में 2 साल का समय लग जाता है। तो ये अपने आप में बहुत, मैं चाहूँगा एक प्रश्न उसमें ऐड ऑन कर दें जो कि राजेंद्र जी का ही एक प्रश्न उन्होंने और भेजा है, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अभी अगर हम कंप्लेन करते हैं तो 1-2 साल रेरा में पेंडिंग पीरियड चल रहा है, रेरा की साइट पर बिल्डर लोग अपडेट ही नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी शिकायतें लोग कर रहे हैं। एक उन्होंने लिखा है कि रेरा में कोई इमरजेंसी सुनवाई की कोई व्यवस्था है क्या? तो ये मैं चाहूँगा कि अपने उत्तर में आप इन दो तीनों प्रश्नों को अगर आप समेट लें तो। देखिए बिल्कुल जी, ये वही चीजें हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कही कि यहाँ पर वाकई में 2 साल का समय लग रहा है और बायर्स के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और रेरा जो कि स्पेशल रियल एस्टेट के लिए ही बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उस गति से काम नहीं हो पा रहा, यहाँ मैन पावर बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा कोई क्विक और शॉर्टकट रूट नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से ही फाइलिंग करनी होगी और जो
डेट्स मिल रही है, मतलब जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होते हैं तब प्रॉपर तरह से वो केस शुरू हो पाता है, और उसके बाद जो टाइम लग रहा है ये दुर्भाग्यवश है कि बहुत क्विकली मैनर में काम नहीं हो रहा। जब तक मैन पावर को नहीं बढ़ाया जाएगा, रेरा को और सशक्त नहीं किया जाएगा, इसके ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन जब तक बहुत अच्छे ढंग से नहीं किया जाएगा तब तक रेरा बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो राजन जी, आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप शॉर्टकट तरीके से या इमरजेंसी में तुरंत आपकी सुनवाई हो जाए। और आपका प्रश्न जो है बहुत जेन्युइन है, जिसका जिक्र पहले ही प्रदीप जी ने पहले प्रश्न के उत्तर में ही उन्होंने बता दिया था कि वाकई में अभी उतने दांत नहीं हैं रेरा के पास जितने होने चाहिए, और शक्तियों की आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है। उम्मीद है कि सरकार इस बारे में सोचेगी और जो भी समस्याएं हैं उसका जल्द से जल्द निवारण होगा, ताकि आप जैसे लोगों की भी दिक्कतें जो है वो आसान हो। अगला प्रश्न सर, अभी जो मौसम चल रहा है उसको लेकर के है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश और बाढ़ से काफ़ी बुरा हाल देखने को मिल रहा है। यमुना नदी के पास स्थित कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के घर का बड़ा हिस्सा डूब गया, भारी लोगों को नुकसान भी हुआ है। अब डूब क्षेत्र में कॉलोनियाँ हमने देखा कि बसा दी गई हैं। आपसे समझना चाहेंगे ये डूब क्षेत्र होता क्या है, घर या ज़मीन खरीदते समय ये कैसे पता चले कि ये घर जो है वो डूब क्षेत्र में है या फिर नहीं है, क्योंकि कई घरों में पानी भरा हुआ है, कईयों के घर बह जाते हैं कई जगहों पर। ये तो दिल्ली एनसीआर में बहते नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को काफी भारी नुकसान होता है। डूब क्षेत्र होता क्या है सर, इसका पता कैसे लगाएं? देखिए, पता कैसे लगाएं वो सेकंड स्टेज है। सबसे पहले आप समझिए कि डूब क्षेत्र होता क्या है। जहां पर फ्लड आने के चांसेस होते हैं उसे डूब क्षेत्र कहते हैं, या फ्लड प्लेन उसे अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में पानी का बहाव बढ़ सकता है तो उसे फ्लड जोन डिक्लेयर कर देती है। अब आम आदमी कैसे समझे कि ये फ्लड जोन है क्या? देखिए, सबसे पहली चीज, फ्लड जोन मैप ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। आप वहां लोकल अथॉरिटी में जाएंगे फ्लड जोन का मैप आपको मिल सकता है, नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको फ्लड जोन का मैप मिल जाएगा, और आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं तो वो एरिया फ्लड जोन में आता है या नहीं। अमूमन ये मैप के अंदर आपको इजीली क्लियर हो जाता है। फिर लोकल न्यूज रिपोर्ट है, रियल एस्टेट एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं, नेबरहुड से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, और हिस्टोरिकल फ्लड डाटा है उसकी भी आप रिसर्च कर सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया मिल जाता है। और लोकल अथॉरिटीज में भी आके आप चेक कर सकते हैं कौन सा डूब क्षेत्र है, वहां पे आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। लोग सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं, मैं कहूंगा स्ट्रिक्टली आपको किसी भी कीमत पे प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर फ्लड जोन बनाया है तो गवर्नमेंट ने सोच समझ के बनाया है। आपको गवर्नमेंट से ज्यादा स्मार्ट बन के वहां मनमाने तरीके से, अनऑथोराइज तरीके से जीपीए पे, क्योंकि गवर्नमेंट अक्सर इन एरियाज में रजिस्ट्री भी बंद करके रखती है, तो जीपीए पे आपको इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। हमेशा आपको इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, इवन इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम का देखना ध्यान रखना चाहिए। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती है, अगर कोई डेवलपर अप्रूव करने के बाद उस प्रॉपर्टी को वहां बना रहा है तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को भी आप डेवलपर से मांग सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपको किसी टाइप का रिस्क दिखता है और मैप में नहीं है तो आप फ्लड इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में अपने आप को थोड़ा सेफ कर पाए। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखिए। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि ये मकान काफ़ी सस्ता मिल रहा है, लेकिन अभी की बचत आपकी जो है वो आपके लिए आगे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, माल का जो नुकसान होगा होगा, जान का भी नुकसान हो सकता है। तो इस बात का अवश्य पता करें कि डूब क्षेत्र में आप जिस जगह प्रॉपर्टी बना रहे हैं वो डूब क्षेत्र तो नहीं है। अगला प्रश्न सर ये है कि जो रीसेल वाले मकान, चूँकि आज हमारा फोकस रीसेल वाले मकान ही है, रीसेल वाले मकान नए मकान के मुकाबले कितने सस्ते होते हैं? निश्चित रूप से सस्ते तो होते हैं, क्योंकि इसी वजह से लोगों का रुझान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। और आज अभी जो हम देख रहे हैं जो डिमांड बढ़ी है, वो एक कारण ये भी है कि नए मकान काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं, और जो आंकड़े आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि लोग महंगे मकान ज़्यादा खरीद रहे हैं। बल्कि जो है अब एक तरीके से देखा जाए तो इस तरह के मकान बहुत कम बिक रहे हैं जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के बिल्डर बना ही नहीं रहे हैं। रीसेल मकान की सही कीमत कैसे निकाली जाए सर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कि मान लीजिए मैं कहीं गया और मुझे एक मकान पसंद आया, पुराना ही सही, लेकिन उसकी सही वैल्यूएशन क्या है, इसको जांचने परखने का कोई तरीका है क्या सर?
देखिए बिल्कुल है, जैसा मैंने बताया कि सेकेंडरी मार्केट में करीब करीब 5 से 15% के आसपास ट्रांजेक्शन्स में आपको रेट कम देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजेक्शन्स में एड ऑन्स भी बहुत सारे होते हैं। कई बार रजिस्ट्रेशन फी, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, तो ये तो आपको प्राइमरी मार्केट में भी खरीदते हैं तो भी देने पड़ते हैं, लेकिन ट्रांसफर फी, यूटिलिटी ट्रांसफर चार्जेस, रियल एस्टेट एजेंट की ब्रोकरेज है या कोई बिल्डिंग है या आरडब्ल्यू है उसकी कोई ट्रांसफर चार्जेस है, शिफ्टिंग चार्जेस है, मतलब माइनर छोटे मोटे चार्जेस जैसे क्लब फीस वगैरह, ये सब चीजें बहुत सारी एड ऑन हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी मार्केट में या रीसेल में आपको बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन हाँ तब भी अगर आप सेकेंडरी मार्केट में ले रहे हैं और आप उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल जो उसका रेट का मेथड है वो समझना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी की साइज, शेप, फ्रंटेज, व्यू और डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सिटी के अंदर है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जो इसके प्रॉपर मेथड्स हैं उसमें लैंड वैल्यूएशन मेथड होता है कि किस टाइप की डेवलपमेंट वहां पे हो रही है, उस हिसाब से आप निकाल पाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जो हम खरीदने जा रहे हैं उसकी क्या कीमत होनी चाहिए। फिर लैंड की वैल्यू और बिल्डिंग की वैल्यू दोनों अलग अलग करके भी आप उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं कि लैंड की एक्स प्राइस है और बिल्डिंग कितनी पुरानी है, उस हिसाब से बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की क्या कीमत होनी चाहिए उस हिसाब से आप कीमत को निकाल पाते हैं। फिर गवर्नमेंट के द्वारा रेडी रखना रेट या सिर्फ उसे कहेंगे सर्कल रेट, उससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या रेट चल रहा है, लेकिन ये हमेशा मार्केट रेट पे नहीं होता है। तो मार्केट प्राइस अलग होता है और सर्कल रेट अलग होता है, तो आपको मार्केट प्राइस जरूर चेक कर लेना चाहिए कि ओपन मार्केट में, कंपिटेटिव मार्केट में वहां क्या क्या प्राइस चल रहा है, मतलब कंपटीशन एनालिसिस भी यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है करना, ताकि लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एज ऑफ प्रॉपर्टी, ब्रांड क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ये पॉसिबल होता है कि सेम लोकेशन पे दो प्रॉपर्टी है और दोनों प्रॉपर्टी के रेट्स में, सेकेंडरी मार्केट के रेट्स में ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को कंसिडर जब आप करते हैं तब आप एक्चुअल सेकेंडरी मार्केट का रेट, रीसेल प्रॉपर्टी का रेट निकाल पाते हैं। अब सामान्य तौर पे सर तो हम देखते हैं कि लोगों के पास इतनी समझ होती नहीं है, किसी प्रॉपर्टी डीलर ने बता दिया, मकान मालिक जो है वो अड़ गया कि नहीं आप पता कर लीजिए, आसपास देख लीजिए क्या भाव चल रहा है, और नए मकान वो तुलना हमेशा नए मकान से ही होती है कि वहाँ पे 50 लाख का मिल रहा है, हम तो तभी 3 लाख रुपए कम में दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या सर, किससे किससे पता करें हम? मान लीजिए एक आम आदमी इतनी वैल्यूएशन तो नहीं निकाल पाएगा, लेकिन अगर क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि कोई थोड़ी सी कंसल्टेंसी किसी को दे दी जाए और मकान की सही वैल्यूएशन जो है हम निकाल सकें और सही पैसे पे जो है अपना घर खरीद सकें। देखिए प्रॉपर्टी वैल्यूअर्स होते हैं, आप उनके पास भी जा सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि आप रियल एस्टेट एजेंट्स के पास में भी जा सकते हैं, उनसे भी आपको आइडिया लग सकता है। ये सब हमने वो फैक्टर्स पहले बताए थे जो आप खुद भी अगर इन चीजों को अंदर घुस के समझे तो आप इन मेथड से प्रॉपर्टी की एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे होते हैं। तो उन सभी फैक्टर्स को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले समझना है। जैसे पीछे एक क्वेश्चन अभी आया आपके पास कि हमें एक्चुअल में कैसे समझना है, तो एक्चुअल में तब समझ में आएगा जब आप सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे। मतलब ये कोई थंब रूल नहीं है, प्रॉपर्टी बाइंग तो बहुत इजी होता है, गए आपके दिल को अच्छा लगा आपने बाय कर लिया, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करने पे निकलते हैं तो आपको हर एक एस्पेक्ट को डीप स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद जो आप प्रॉपर्टी लेते हैं वो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है और इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न आ भी पाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर अब एक जी। महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब रीसेल घर अगर हम खरीदते हैं तो कौन कौन से एडिशनल खर्चे आते हैं और इनको कम करने के लिए क्या कुछ उपाय हैं, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप थोड़ा समझा दीजिए। देखिए स्टैम्प ड्यूटी आपके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जीएसटी आता है आपके ऊपर, ट्रांसफर फीस आती है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन चार्ज जो लॉयर की फीस होती है वो आपको पे करना पड़ता है, अगर आपने होम लोन लिया तो होम लोन चार्ज आपको पे करना पड़ता है, प्रॉपर्टी एजेंट की ब्रोकरेज होती है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आप कराते हैं तो उसकी भी फीस आपको पे करनी पड़ती है, और फिर मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये कुछ लोडिंग होती है जो सेकेंडरी मार्केट की ट्रांजेक्शन में अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपके ऊपर एडिशनल आता है। लेकिन अब इसे कम करने के तरीके क्या है, देखिए आप नेगोशिएट कर सकते हैं सेलर से, उन चार्जेस के बारे में बता सकते हैं कि मेरे पे ये चीजों की लोड है,
तो इससे जो बेस्ट नेगोशिएशन हो पाए और राइट टाइम पे प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। अगर आपने राइट टाइम पे प्रॉपर्टी बाई की है, मतलब सेंटिमेंट्स कभी अप होते हैं कभी डाउन होते हैं, अगर आपने डाउन टाइम चुना है तो आपके रेट्स अच्छे होते हैं और राइट टाइम पे मार्केट में एंट्री करते हैं तो प्रॉपर्टी कॉस्ट भी आपकी रिजनेबल होती है। आप फाइनेंस के ऑप्शंस हैं उसको भी बेस्ट नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपको कितना देना पड़ रहा है वो भी आपके लिए एक एडिशनल कॉस्ट होती है। अगर रिजनेबल रेट पे आपने लिया है तो आप उसकी कॉस्ट को भी वेव कर सकते हैं, मतलब उससे आप बच सकते हैं। फिर कोई डिस्काउंट किसी टाइप का कोई डैमेज है तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में सेलर से कह सकते हैं ये डैमेज है, हमें इसे रिपेयर कराना पड़ेगा, इसके लिए हमें डिस्काउंट चाहिए। और एजेंट को अवॉइड करके अगर आप डायरेक्ट सेलर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहां पे आपको ब्रोकरेज देनी नहीं पड़ती, तो ये भी आप एक तरह से सेविंग कर पाते हैं। जी चलिए, अब मुझे लगता है कि रिसेल मकानों के बारे में हमें काफ़ी जानकारी सर आपसे आज मिली है। आखिरी प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि पुराना जो घर है अगर उसे खरीदते समय हमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए ताकि आगे चल करके कभी जो है किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कभी कोई विवाद ना हो और आसानी से चीज़ें चल सकें। तो वो कौन से चेक एंड बैलेंसेज हैं, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को फिर से क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए सर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है टाइटल डीड, जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट है वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। फिर एकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप जाके निकलवा सकते हैं, अगर वो मिल जाता है आपको तो उससे आपको टाइटल में किसी टाइप की दिक्कत नहीं है, इसका एक तरह से क्लियरेंस मिल जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आप देख सकते हैं, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल आप देख सकते हैं, और कंसर्न अथॉरिटी से जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या आरडब्ल्यू है तो आप वहां पर एनओसी ले सकते हैं, इससे आप कोई किसी टाइप का गवर्नमेंट के ड्यूज नहीं है उसकी क्लैरिटी मिल जाती है। ओसी आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और डेवलपर ने या फिर जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कोई इंडिपेंडेंट हाउस है उसने रेजिडेंशियल से कमर्शियल या रेजिडेंशियल से एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल कराया हुआ है या नहीं, मतलब कन्वर्जन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप टाइटल सर्च को अच्छे से करें तो मेरे को लगता है किसी टाइप की दिक्कत आपको नहीं आती है, आप प्रॉपर्टी सही ढंग से सेफ प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। प्रदीप जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और रीसेल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतनी महत्वपूर्ण और ज़रूरी बातें बताई और हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी आपने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है इसलिए कार्यक्रम को समेटना पड़ रहा है, वरना ये विषय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अभी और आपसे बात करने का दिल चाह रहा था लेकिन समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।